नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आज हम आपको बता रहे हैं बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी, जिसे बाटी भी कहा जाता है। यह देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसके लिए हम सबसे पहले लिए हैं सत्तू, चने का सत्तू है 250 ग्राम, और यह 1 किलो आटा, इसे हम गूंथ लिए हैं। जिस जैसे रोटी बनता है उससे थोड़ा हम टाइट गूंथे हैं। यह 2 कटा हुआ प्याज, यह 4-5 हरी मिर्ची जिसे हम काट लिए हैं, यह अदरक थोड़ी सी जिसे हम काट लिए हैं, यह नींबू आधा नींबू, यह लहसुन जिसे हम छोटी छोटी काट लिए हैं 4-5 जो लहसुन है, यह धनिया का पत्ता जिसे हम मेन मेन काट लिए हैं, यह नमक, यह जमाइन, यह मैं 1 कटोरी पानी ली हूँ सत्तू सानने के लिए, और इधर है तेल, सरसों का तेल सत्तू में मिलाएंगे हम। सरसों का तेल है, यह रिफाइंड ऑयल, इसमें हम लिट्टी को छानेंगे। अब हम बता रहे हैं आपको बनाने की विधि। इसके लिए हम सबसे पहले सत्तू में जो हमें मसाला काट कर रखे हुए हैं सबको हम मिक्स कर देंगे। जैसे धनिया का पत्ता हुआ, लहसुन हुआ, आदी हुआ, हरी मिर्च, प्याज, नींबू। नींबू को हम देख लेंगे कि इसमें बीज तो नहीं है, ऐसे देखिए बीज इसमें निकल रहा है, तो बीज को हम हटा देंगे इसमें से। ठीक है, बीज नहीं डालना है, बीज को हटा दिए। और तब हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, आधा नींबू, 250 ग्राम सत्तू है, पूरा अच्छी तरह से नींबू को निचोड़ दीजिए इसमें, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है। और यह नमक स्वाद अनुसार हम इसमें नमक मिला देंगे, मैंने छोटी चम्मच 2 चम्मच मिलाई हूँ। और यह जमाइन, ये भी मैं थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम इसको अच्छा तरह से मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिला देना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों का तेल, टेस्ट अच्छा आता है तेल डालने से। थोड़ी सी सरसों का तेल डाल देंगे, हाथ पर लेकर डालिएगा नहीं तो ज्यादा डला जाएगा तेल। तो अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसको पानी से सान लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा नहीं सत्तू में। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाइए, जितना ही मिलाइएगा सत्तू फैलता है, ये फैलेगा। देखिए सत्तू अच्छी तरह मिल गया है, फैल गया है, पहले इतना सत्तू नहीं था, खूब मैं मिलाई हूँ जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हो गया है। अब देखिए सत्तू मेरा बनकर तैयार है, आटा भी साना हुआ है। अब हम इस आटा में सत्तू को भरेंगे, छोटा छोटा बनाइए जैसे कि अच्छी तरह से पक जाता है। ऐसे इसमें परथन लगा दीजिए सूखा आटा, ऐसे ऐसे इसको गोल बना दीजिए, और इसमें ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का भरिए, नहीं तो ये फट जाएगा। प्याज डाला हुआ है तो फट जाएगा, प्याज डालने से टेस्ट अच्छा आता है। इसको ऐसे ऐसे करके दाबिए, जो बचा हुआ है ऊपर में उसको धीरे से ऐसे दबा दीजिए, इस तरह से ऐसे रखिए। देखिए मैंने फिर आपको भर कर दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे गोल बना लीजिए, इसमें सत्तू डालिए। दाब दीजिए ऊपर की तरफ ना आवे, इसको ऐसे ऐसे दाबिए, इसको ऐसे दाब दीजिए, फटेगा नहीं सत्तू लिट्टी। देखिए मैंने 5 लिट्टी भर कर आपको दिखा रही हूँ। अभी हम इसको छानेंगे, इसके लिए हम चूल्हा को ऑन करेंगे और हम इस पर कढ़ाई चढ़ावेंगे। कढ़ाई 5 मिनट में गर्म होगा तब हम इसमें
रिफाइंड ऑयल डालेंगे। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, मैं छू कर देख रही हूँ। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालिएगा तो लिट्टी अच्छा से छन आएगा, नहीं तो लिट्टी सट जाएगा। तेल 2 मिनट में तेल गर्म होगा तब हम लिट्टी को उसमें डालेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया है, अब तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें लिट्टी डालेंगे। तो लिट्टी जब भी डालिएगा जिधर से आप मुंह बंद किए हैं वो नीचे तरफ रखिएगा, नहीं तो लिट्टी फट जाएगा। अभी थोड़ा तेज आंच रहने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आंच को धीरे कर दीजिएगा। जब तेल पूरा गर्म हो जाएगा तब आंच को धीरे कर दीजिएगा, धीरे करने से लिट्टी अच्छी तरह पक जाती है। देखिए लिट्टी को हम धीरे से पलट कर देखेंगे कि इस तरफ हुआ या नहीं, लिट्टी पका कि नहीं मेरा। ऐसे पलट दीजिए, देखिए उस तरफ हो गया है, इस तरफ होना है। अच्छी तरह से ऐसे उलट दीजिए, लिट्टी गोल होता है इसलिए घूमता है। फिर इस तरफ भी पकेगा लिट्टी अच्छी तरह से। देखिए अब हम लिट्टी को अच्छी तरह से उलट पलट कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए लिट्टी अच्छी तरह से पक गई है, अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, इससे बाहर निकाल लीजिए तेल से, अच्छी तरह से निकल जाएगा। देखिए लिट्टी बनकर तैयार है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।